हरे कृष्णा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, युद्ध के बाद हस्तिनापुर के महल में एक बार एक मेहमान आते हैं। महल में 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज जो अभी राजा हैं, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो मेहमान पहले आकर सहदेव से मिलते हैं और कहते हैं, मुझे युधिष्ठिर महाराज से मुलाकात करना है। सहदेव बताते हैं कि महाराज तो अभी मीटिंग में है, सभा में है, व्यस्त हैं, नहीं मिल सकते। मेरे लिए कुछ सेवा हो तो बताइए। तो मेहमान कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। सहदेव बोलते हैं कि मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ, आपकी सेवा करूँगा। तो मेहमान ने कहा कि जब मैं इस महल की तरफ आ रहा था तो बीच में गांव में मैं देखा एक खेती है। उस खेती में एक पुतला है, मनुष्य का पुतला, जो खेती में कभी कभी पक्षी आते हैं, कौवा आता है और अन्न लेके जाता है, खा लेता है। तो उसको डराने के लिए पुतला रखते हैं, स्केयर क्रो कहते हैं उसको, कौवा भगाने के लिए पुतला। तो ऐसे पुतले होते हैं खेती में, गांव में। तो मेहमान ने कहा कि मैंने देखा एक पुतला चावल खा रहा था। पुतले का काम है चावल की रक्षा करना, लेकिन वो पुतला चावल खा रहा था, तो ऐसा क्यों हुआ? तो सहदेव सोचने लगा कि पुतला कैसे चावल खाया। बोला, मुझे नहीं मालूम, आप नकुल से पूछिए, नकुल मेरा बड़ा भाई है, बहुत विद्वान है। तो मेहमान नकुल के पास गया और कहा, मुझे महाराज से मिलना है। नकुल ने कहा, महाराज व्यस्त हैं, बताइए क्या सेवा करूं। मेहमान ने कहा, मुझे प्रश्न पूछना है। नकुल ने कहा, मुझसे पूछिए। तो मेहमान ने कहा कि अभी मैं आ रहा था इस महल की तरफ तो गांव में एक कुआं पे औरत पानी भर रही थी। एक बड़े घड़े में उसने पूरा पानी भरा था। मेरे सामने उस बड़े घड़े को उसने 4 छोटे घड़े में डाल दिया और चारों फुल हो गए। नहीं, बाद में चारों जब पहले घड़े में पलटी मारा तो पहला आधा ही भरा, ऐसा क्यों? नकुल को भी उत्तर नहीं था। उसने मेहमान को कहा, मुझे नहीं मालूम, अर्जुन को पूछो, मेरा बड़ा भाई है। अर्जुन के पास गए, बोले, महाराज से मिलना है। अर्जुन ने कहा, व्यस्त है महाराज। मेहमान ने कहा, मुझे प्रश्न पूछना है। अर्जुन ने कहा, मुझे पूछिए। और मेहमान ने कहा, अभी मैं जब इस महल की तरफ आ रहा था तो बीच में एक जंगल में पेड़ के नीचे देखा एक आदमी बैठा था, उसके हाथ में एक सुई था, निडल, टेलर का सुई। उसके सुई में छोटा सा आँख है, खड्डा है जिसमें धागा डालते हैं, उसमें वो हाथी डाल रहा था और हाथी चला गया लेकिन पूँछ अटक गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन हैरान हो गया कि सुई की आँख में तो हाथी नहीं डाल सकते और अगर हाथी गया तो पूँछ भी जाना चाहिए। तो उसने मेहमान को कहा, मुझे नहीं मालूम, आप भीम को पूछो। तो भीम के पास गए, उसी से भी यही कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। भीम ने कहा, महाराज व्यस्त हैं तो मुझे प्रश्न पूछना है। भीम ने कहा, मुझसे पूछिए। बोला, अभी मैं आ रहा था महल में तो बीच में गांव के बाहर देखा एक पतला लड़का था, 6-7 साल का कमजोर पतला लड़का था। उसके पास एक कच्चा धागा था और उसने मेरे सामने उस कच्चे धागे को एक बड़े पहाड़ को बांधा और खींचा तो पहाड़ हिल गया। ऐसा कैसे हुआ? तो भीम हैरान हो गया कि इतना पतला धागा से पतला लड़का पहाड़ कैसे हिला दिया। तो भीम ने कहा, मुझे नहीं मालूम, आप बैठिए, मैं महाराज को बुलाता हूँ। तब तक चारों भाई, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चर्चा करने लगे कि ये तो तरह तरह के प्रश्न पूछे। वो गए महाराज के पास, महाराज को बुलाए, बोले, एक मेहमान आए हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। महाराज आए तो देखा मेहमान नहीं था, गायब हो गया। पूरे महल में ढूंढा, मेहमान नहीं था। तो
तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कहा, मेहमान तो नहीं है इधर, कौन सा प्रश्न पूछा उसने? तो चारों भाइयों ने अपना अपना प्रश्न बताया। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, पकड़ो उसको, पकड़ो, वो कली है, कली, कलियुग। भीम ने कहा, आपको कैसे मालूम कलियुग है, आप तो देखे भी नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रश्न से पता चला। उन्होंने पूछा, क्या उत्तर है इन प्रश्नों का? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सहदेव का प्रश्न क्या था कि एक खेती में कौवा भगाने वाला पुतला अन्न खा रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कलयुग का पहला गुण ये होगा कि जो रक्षक है वो भक्षक हो जाएगा। पुतले का काम है रक्षा करना, लेकिन वही खा रहा है। उसी तरह कलयुग में जो रक्षक है, जो लीडर हैं, नेता हैं, पुलिस हैं, कभी कभी देखा जाता है किसी देश में कि वही भक्षक हो जाते हैं, वही चोर बन जाते हैं। या आजकल कोई माएँ होती हैं जो अपने शिशु की रक्षा करना चाहिए अपने पेट में, लेकिन वही एबॉर्शन करते हैं, गर्भपात करते हैं, भक्षक बन जाते हैं। तो सहदेव ने कहा, ये बराबर है। फिर नकुल ने कहा, मेरा प्रश्न? नकुल का प्रश्न क्या था कि एक औरत एक कुएं से एक घड़े में पानी भरी और एक घड़े को चार छोटे घड़े में पानी डाली तो चारों भर गए, लेकिन जब चार पलटी मारी तो पहला नहीं भरा, आधा ही भरा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कलयुग में ऐसे परिवार होंगे कि एक पिता चार बच्चों को एक कमाई से पालेगा, उनको बड़ा करेगा, उनको पढ़ाई कराएगा, शिक्षा देगा, डिग्री देगा, उनको शादी करेगा, लेकिन चार बच्चे चार पगार से एक पिता को पाल नहीं पाएंगे। ऐसा होता है कलयुग में, पिता बच्चों को बड़े करते एक पगार में, लेकिन जब चारों की शादी हो जाती है, चार पगार हो जाते हैं, चार अलग घर हो जाते हैं, वो एक बूढ़े माता पिता को पालते नहीं हैं। उनको कहते हैं कि दो महीना इधर रहो, दो महीना इधर रहो, दो महीना इधर रहो, बाकी आप हरिद्वार में रहो, हम टिकट दे देंगे, या वृद्धा आश्रम में रखते हैं। कुत्ते पालते हैं लोग, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते। ये कलयुग का लक्षण है। तो नकुल खुश हो गया उत्तर पाकर। फिर अर्जुन ने कहा, मेरा प्रश्न? अर्जुन का प्रश्न क्या था कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर सुई के छोटी आँख में बड़ा हाथी डाल दिया, लेकिन पूंछ अटक गया, पूंछ नहीं गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कलयुग में ऐसे देश होंगे जहाँ का ऐसा कानून होगा कि बड़े बड़े पाप करने वाले बच जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे गलती करने वाले कानून में फंस जाएंगे। रेप करने वाले, मर्डर करने वाले, करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले बच जाएंगे, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले, थूक फेंकने वाले और लाल सिग्नल में कार चलाने वाले फंस जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि बड़ा लोग फंसेंगे नहीं, बड़े लोग छूट जाएंगे, छोटे गलतियां फंस जाएंगे। तो अर्जुन ने बोला, भाई सही है। फिर भीम ने कहा, मेरा प्रश्न? भीम का क्या प्रश्न था कि एक पतला लड़का कच्चे धागे से एक बड़े पहाड़ को हिला दिया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग में बहुत गुण खराब है, दुर्गुण है, लेकिन एक अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है? कि कोई भी इंसान कितना भी कमज़ोर हो, एक छोटे से माला से पाप का पहाड़ हिला सकता है। हम जाने अनजाने बहुत पाप करते हैं, उसका पहाड़ बन जाता है हमारे हृदय में, लेकिन हम वो पाप से छुटकारा पा सकते हैं, वो पाप से बाहर निकल सकते हैं इस माला पे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में ये बहुत अच्छा गुण है कि भगवान के नाम जप करने से हमारा पाप से छुटकारा हो जाता है, इसलिए हम सबको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।